हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा दी हाइड्रोजन एटम। ये जो आपका टॉपिक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक तो है ही है, साथ ही साथ ये क्वांटम मैकेनिक्स का भी लास्ट टॉपिक है। मतलब आज के इस टॉपिक को पढ़ने के बाद थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का क्वांटम मैकेनिक्स फिनिश हो जाएगा। अब बस हम लोग को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है। मतलब अब जो लेक्चर क्वांटम मैकेनिक्स पे आएगा वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के बिहाव पर लेक्चर दिया जाएगा, ताकि जिन भी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो रहा है या होने वाला है, वहाँ के बच्चे अच्छे से स्कोर कर सकें एमसीक्यू को पढ़ के। ठीक, तो वो बच्चे एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहें जहाँ पे एमसीक्यू एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक, जल्द से जल्द आपके एग्जामिनेशन के पहले ही एमसीक्यू करा दिया जाएगा। ओके, तो देखिए ये जो टॉपिक है हाइड्रोजन एटम, ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। आप केमिस्ट्री में भी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हाइड्रोजन एटम को मैं पढ़ा चुका हूँ, एनर्जी वगैरह निकलवा चुका हूँ। ठीक, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में इस हाइड्रोजन एटम को पढ़ने चल रहे हैं। तो जब क्वांटम मैकेनिक्स में चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं तो किसके हेल्प से सॉल्व करते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो कुछ भी हम लेंगे उस पार्टिकल को क्या मानेंगे? वेव मानेंगे, और जब वेव मानेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? श्रोडिंगर इक्वेशन लगाना पड़ेगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, वीडियो के बीच बीच में कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको मैं डायरेक्ट लिखूँगा और कहूँगा कि आप इसको याद कर लीजिए, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इतना, क्योंकि कई सारा टॉपिक जो आप नहीं पढ़े हैं, जिसको आपको MSc में पढ़ना है, उसका यूज इस टॉपिक में पड़ेगा। ठीक, और आप जाके देखिएगा आपके सिलेबस में लिखा है कि डायरेक्ट इन सब टॉपिक को यूज करिए। ठीक, अब जो लोग सिलेबस डिज़ाइन किए हैं, अब वो लोग ही समझ पाएंगे कि आखिर इस टॉपिक को डालने का मतलब क्या है। जैसे कल हम लोग लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़े थे, उसमें ही देखे थे कई सारे चीज़ें डायरेक्ट हम लोग यूज किए थे और मैं आपको याद करने के लिए कहा था। ठीक, लेकिन ये जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर और हाइड्रोजन एटम टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, इस वजह से इसको छोड़ना भी उचित नहीं है। क्योंकि पहले जब BSc पुरानी शिक्षा नीति पे था, तो उसमें क्या होता था, जो डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं पहले वो पढ़ाया जाता था, फिर ये टॉपिक पढ़ाया जाता था, तब वो सिलेबस में था, तब एग्ज़ाम में ये सब टॉपिक पूछता था और बच्चे अच्छे से समझ जाते थे और उसको अच्छे से लिखाते थे। लेकिन अब बच्चों को याद करके लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। दो चार इक्वेशन कठिन कठिन आएंगे जिसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, अब चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन एटम के बारे में जो बेसिक नॉलेज है आपको, कि क्या होगा हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होगा उसमें एक प्रोटॉन होगा, एक सिंगल प्रोटॉन होगा, और उसके चारों तरफ क्या होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा जो क्या करेगा, इसके चारों तरफ चक्कर काटेगा, ये जानकारी आपको है। तो जब ऐसा सिस्टम हो गया तो एक मास यहाँ इलेक्ट्रॉन का है, मतलब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को हम मान सकते हैं और एक बॉडी इस प्रोटॉन को मान सकते हैं, जिसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, टू बॉडी प्रॉब्लम हो गया। तो इस केस में हम मास न लिख के रिड्यूस मास यूज करेंगे, जो क्या होगा, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इंटू मास ऑफ सेकेंड बॉडी डिवाइडेड बाई m1 + m2, मतलब सम ऑफ मास ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड सेकेंड बॉडी। ठीक, ये रिड्यूस मास हम लोग यूज करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन में, जहाँ पे m यूज करते थे वहाँ पे म्यू यूज करेंगे। रिड्यूस मास क्या होता है, आप BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तथा साथ ही साथ मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसको पढ़ा चुका हूँ। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। तो अब हम लोग क्या करना है इस सिस्टम के लिए, मतलब ये हाइड्रोजन एटम का कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर, उसमें क्या होंगे, एक प्रोटॉन होंगे, एक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन दोनों बॉडी के लिए हम लोग को क्या करना है, श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह लिख के इनके एनर्जी, मतलब हाइड्रोजन एटम के एनर्जी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है चीज़। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे कि हाइड्रोजन एटम कैन बी कंसिडर एज अ सिस्टम ऑफ टू इंटरैक्टिंग पॉइंट चार्जेस, द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये देखिए दो पॉइंट चार्ज आपस में इंटरैक्ट करते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक, कंसिडरिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू द न्यूक्लियस, द टाइम इंडिपेंडेंट
श्रोडिंगर इक्वेशन इज गिवन है। अगर थ्री डायमेंशन में बात करें तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कुछ ऐसे दिया जाता है। अभी तक आप यहाँ पे यम पढ़ रहे थे, लेकिन इस यम को मैं अब म्यू से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि दो बॉडी हैं तो टू बॉडी प्रॉब्लम की वजह से जो मास होगा वो क्या होगा, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और यहाँ पे म्यू यूज कर दिए और यहाँ पे ई माइनस वी साइन इक्वल टू जीरो पुट कर दिए। अब देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हाइड्रोजन एटम का वो कुछ ऐसे दिया जाएगा, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन उसका जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है कुछ ऐसे दिया जाता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पे पढ़ाया था, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला, तो उसमें ऐसा कुछ हम निकाल चुके थे। अगर आगे यहाँ जेड लगा दें तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वो पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। ये चीज़ क्लियर। अब देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ द श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय। ठीक, अब मुद्दा ये आता है कि क्यों स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हम यूज कर रहे हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन को क्यों स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट ले जाते हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, ये मुद्दा आता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पोटेंशियल जी भी है वो आर का फंक्शन है, और आपको पता है कि आर जो अगर पोजिशन वेक्टर इसको माने तो क्या होगा, ये तो रेडियस है, मतलब इससे इसका दूरी बता रहा ना, तो पोजिशन बता रहा ना इलेक्ट्रॉन का, तो हम एक पल के लिए पोजिशन वेक्टर इसको कहें तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब भी जो यहाँ पे भी आर का फंक्शन है, तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो भी का तो नीचे क्या आ जाएगा, ये पूरा वैल्यू आ जाएगा इस आर की जगह। अब फिर जब इसको रखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड आ गया, और यहाँ पे ब्रैकेट में भी की जगह जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो एक डेंजरस सा इक्वेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे, रूट वगैरह हटाएंगे, तो इक्वेशन काफ़ी कठिन होता चला जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको जो एक्स वाई जेड दिया गया है इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, पहला रीजन क्यों, क्योंकि भी आर का फंक्शन है, भी आर का फंक्शन है, आर की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो जब आर की जगह इसके जगह पूरा ये वैल्यू भी का, भी में जब आर का ये वैल्यू पुट करके और भी को जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स वाई जेड यहाँ भी है और इसमें भी एक्स वाई जेड आ जाएगा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना काफ़ी कठिन हो जाता है। ठीक, तो इस वजह से अपने सुविधा के लिए क्या करते हैं, इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बदल देते हैं। दूसरा रीजन देखिए, या ये क्या है, आप पढ़े हैं कि ये जो न्यूक्लियस वगैरह होगा क्या होगा, स्फेरिकल शेप का होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस चारों तरफ घूम रहा है, इसका मतलब जो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है, स्फेरिकल शेप वगैरह में है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम कह सकते हैं। मतलब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरीके से सिमेट्रिकल है, और उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप है। तो जब सब कुछ न्यूक्लियस से रिलेटेड चीज़ें स्फेरिकल है, क्यों हम कार्टेशियन में लेके आफत मोल लें, हम लोग डायरेक्ट अपने कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लेंगे, किससे, कार्टेशियन से, ताकि प्रॉब्लम आसान हो जाए। रीजन समझ में आया, आप कार्टेशियन में भी कर सकते हैं, लेकिन आर को क्या करना पड़ेगा, आर आपका क्या है, ये पोलर कोऑर्डिनेट में है, तो इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके वैल्यू यहाँ जब आर का यहाँ पुट करेंगे तो भी का वैल्यू मिलेगा, उसको यहाँ पुट करेंगे तो एक कठिन सा इक्वेशन मिलेगा, इसको भी आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम होगा। ठीक, तो उसको आसान बनाने के लिए इन सब एक्स वाई जेड को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और हमको पता भी है कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये कुछ स्फेरिकल शेप में है, तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन के पोजिशन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो जानकारी है एग्जैक्टली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से जुटा सकते हैं। इस वजह से दिए गए श्रोडिंगर इक्वेशन को क्या करेंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में यूज कर लेंगे। दोनों रीजन पता चल गया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, जहां जहां ये डेल टू साइन ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू साइन ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साइन ओवर डेल जेड स्क्वायर है, वहां वहां क्या करेंगे, इसको दो दो बार क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, इसको मतलब आपके इस वैल्यू को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करके इसमें आपको यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, अगर आपको ये इक्वेशन देखिए मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है, इसको मैं डायरेक्ट लिखा हूँ। ठीक, अगर आपको इसका सलूशन चाहिएगा तो आप इसका सलूशन व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा, 3-4 पेज का इसका सलूशन है। क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे एक्स वाई जेड वगैरह जो जो दिया गया है इन सबको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट वगैरह करके यहाँ पे वैल्यू को क्या करेंगे, ला के पुट करेंगे, और यहाँ पे ये सब वैल्यू ला के क्या करते हैं, पुट करते हैं। बात समझ में आ रहा है, सब वैल्यू ला के क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक, तो जब आप पुट करेंगे कुछ ऐसे आपको इक्वेशन मिलेगा, पहले क्या निकालेंगे, डेल साइन, इसको क्या करेंगे, डेल टू साइन ओवर डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, फिर डेल टू साइन ओवर डेल वाई का वैल्यू, फिर डेल टू साइन ओवर डेल जेड का वैल्यू निकालेंगे उस इक्वेशन के हेल्प से, और फिर क्या करेंगे, ला के जब पुट करेंगे तो ऐसे आपको एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक,
क्लियर है चीज़। तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि इसको मैं बताऊंगा तो 3 से 4 पेज आपका एक्स्ट्रा लगेगा। एक ही क्वेश्चन को 20 पेज में लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, बाकी सोल्यूशन चाहिए व्हाट्सएप पर आप इसको ले सकते हैं या टेलीग्राम पर मांग सकते हैं। ओके, तो अब देखिए ये आपको श्रोडिंगर इक्वेशन पोलर फॉर्म में मिल गया। किसमें? स्फेरिकल पोलर फॉर्म में श्रोडिंगर इक्वेशन होता है। कैसे ये होता है? एक्स वाई जेड को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू साई ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल टू साई ओवर डेल जेड स्क्वायर का वैल्यू ले आकर क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। और उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करते हैं? उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसा इक्वेशन हम लोगों को मिलता है। बस ये दिमाग में रखिए। ठीक, अब क्या करेंगे? भी का वैल्यू को क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन में भी के वैल्यू को पुट करेंगे, तथा साथ ही साथ क्या करेंगे? इसमें हम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, दो चीज़ कर रहे हैं एक साथ, भी के वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो क्या होगा? अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, और साथ ही साथ हर एक टर्म में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से आर स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पर देखिए दोनों टर्म कट जाएगा। कुछ ऐसा इक्वेशन हम लोग को मिल गया। ओके, अब इसके आगे क्या करना है पहले लिखेंगे फिर समझाएंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिए हैं। ठीक, अब इसके आगे देखिए क्या लिखे हैं, एक मिनट देखें पहले, सब कुछ सही है, कट तो नहीं रहा कुछ? ठीक है, सब कुछ आ रहा है। ओके, अब देखिए क्या लिखे हैं इसके आगे, कि अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं इसमें साई किसका किसका फंक्शन है? साई आर का फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, साथ ही साथ किसका फंक्शन है? फाई का फंक्शन है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सेम वही तरीका अपनाएंगे। जैसे आप याद करिए जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल या पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा तरीका अपनाए थे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का? वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वही तरीका फिर अपनाएंगे। तो वहाँ पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड लिख रहे थे साइंस कल टू, क्योंकि एक्स वाई जेड लेके चले थे, लेकिन यहाँ पे आर थीटा फाई लेके चल रहे हैं, तब इसको क्या लिखेंगे, साइंस कल टू क्या लिखा जाएगा उसको देखिए, और फिर क्या करना है उसको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट लेट अस एक्सप्रेस साई एज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन एच। ठीक, आप सेम देखिएगा, अगर पढ़े होंगे मेरा लेक्चर, तो वहाँ पे क्या किए थे, साइंस कल टू कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल जेड स्मॉल जेड लिखे थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे साई आर थीटा फाई का फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे, साइंस कल टू साई आर थीटा फाई कल टू कैपिटल आर, जो फंक्शन है स्मॉल आर का, ये कैपिटल थीटा है और ये क्या है, स्मॉल थीटा। थीटा भी दो तरीके से होता है, एक अपर केस एक लोअर केस। ठीक, जैसे कैपिटल ए कैपिटल भी होता है ना, वैसे जो ग्रीक लेटर होते हैं वो भी कैपिटल स्मॉल होते हैं। ओके, तो ये क्या है, कैपिटल थीटा, और ये क्या है, स्मॉल थीटा, ये क्या है, कैपिटल फाई है। इसको बड़ा करके नीचे ऊपर देखिए ऐसे कर दिए, कैपिटल फाई, और ये क्या है, स्मॉल फाई, मतलब ये कैपिटल आर स्मॉल आर का फंक्शन है, ये थीटा स्मॉल थीटा का फंक्शन है, ये कैपिटल फाई क्या है, फाई का फंक्शन है। ठीक, अब देखिए हम लोग का काम क्या होगा, इसका वैल्यू निकाल निकाल के क्या करना, पुट करना डेल साई ओवर डेल आर का वैल्यू, फिर डेल साई ओवर डेल थीटा का, और डेल टू साई ओवर डेल फाई का स्क्वायर का वैल्यू क्या करना, निकाल निकाल के पुट करना, किसके टर्म में, इस कैपिटल आर कैपिटल थीटा कैपिटल फाई के टर्म में। ठीक, अभी आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन टू को डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं, बारी बारी से करेंगे, एक बार इसके रिस्पेक्ट में करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो जो वैल्यू मिलेगा उसको यहाँ पुट कर देंगे, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पुट कर देंगे, और दो बार फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पुट कर देंगे, और साई की जगह क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग वहाँ इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको निश्चित रूप से क्लियर होगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये थीटा और फाई कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये तो इसका फंक्शन है इसका फंक्शन है, अगर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये दोनों तो थीटा फाई का फंक्शन है, और पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आर के रिलेशन में करना है, तो बस यही क्या होगा आपका होगा। अब देखिए मतलब इसी का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था कर्ली आर ओवर कर्ली, ऐसे लिखना चाहिए था डेल आर ओवर डेल कैपिटल आर ओवर डेल स्मॉल आर, लेकिन इसको मैं ऐसे लिख दिया हूँ डी आर ओवर डी कैपिटल आर ओवर डी स्मॉल आर, क्योंकि जब एक ही फंक्शन है, ठीक, बाकी इन दोनों को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो इसको चाहे आप डेल लिखिए चाहे डी लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है।
क्लियर। जब क्या है, इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया है, तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन अगर आप कर रहे हैं तो चाहे क्योंकि ये आर जो है अकेला बस आर ही का फंक्शन है, तो चाहे यहाँ आप यहाँ पे ये डेल वाला साइन लगाइए या डी वाला साइन लगाइए, दोनों चीज़ इक्वल है, आप दोनों में से फ्री हैं, किसी को भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डी साई ओवर डी आर नहीं लिख सकते क्योंकि ये किसका थीटा फाई का ही फंक्शन है, लेकिन ये आर तो अकेले आर का फंक्शन है, तो आप टोटल डेरिवेटिव का साइन भी लगा सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की जगह। क्लियर है चीज़। और ये दोनों तो कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि आर के फंक्शन नहीं, उसको आगे लिख दिए, ठीक, यहाँ कोई डाउट नहीं ना, ठीक, ओके। अब क्या कर रहे हैं, इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, इक्वेशन टू को फिर थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको डेल साई ओवर डेल थीटा चाहिए। तो जब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर कुछ ऐसा आएगा, ये टर्म कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसको भी क्या करेंगे टोटल डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिख लेंगे, पार्शियल को टोटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर कैपिटल थीटा है नीचे स्मॉल थीटा है, और आर और कैपिटल आर और कैपिटल फाई क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इसको इक्वेशन नंबर फोर कर दिए। अब देखिए फिर क्या करना है, इक्वेशन नंबर टू को दो बार डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए कैपिटल फाई है जो नीचे ऊपर निकला हुआ, तो डेल टू साई ओवर डेल फाई स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका आर थीटा कांस्टेंट हो जाएंगे, उसको लिख लेंगे, ये कैपिटल थीटा लिख लिए, कैपिटल आर लिख लिए, इसका दो बार डिफ्रेंशिएशन होगा, एक बार करेंगे तो कुछ ऐसा ही मिलेगा, मतलब एक बार जब करेंगे तो क्या होगा आर थीटा, और फिर क्या होगा इससे आप कन्फ्यूज होंगे, रुकिए यहाँ बताते हैं, इतना तो आप कैच कर सकते हैं, एक बार जब करेंगे डेल साई ओवर डेल फाई तो क्या मिलेगा आर थीटा, और क्या मिलेगा डेल कैपिटल फाई ओवर डेल स्मॉल फाई, फिर जब करेंगे तो ये कांस्टेंट एज इट इज लिख देंगे, इसका दो बार हो गया, इसका दो बार, तो ये क्वेश्चन फाइव मिल गया, ठीक, उसको मैं डायरेक्ट लिख दिया था। अब देखिए क्या करेंगे, ये वैल्यू उठाएंगे, इसमें पुट करेंगे, साथ ही साथ ये वैल्यू मिला के इसमें पुट करेंगे, और एक स्टेप और क्या किए हैं, इसमें से अंक बढ़ा दिए, मतलब एक स्टेप और एक्स्ट्रा पुट कर देना है ताकि थोड़ा जो थ्योरी है छोटा हो जाए, ठीक, अगर आप चाहें तो उसको दूसरे स्टेप में आप पुट कर सकते हैं। क्या पुट करेंगे, लिखें डिवाइडिंग बाई आर थीटा फाई, कैपिटल आर कैपिटल थीटा कैपिटल फाई से क्या करें डिवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक, तो एक स्टेप इसमें का हम क्या करें डायरेक्ट यूज करें, मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, ठीक, जितना आप समझ सकते हैं, बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं तो इतना मैथ तो आपको आता ही होगा, ओके। जैसे उसमें भी याद करेगा इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में तीनों क्वेश्चन को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड से डिवाइड किया गया था ताकि तीन फंक्शन मिले हम लोग को, मतलब तीन टर्म मिले, एक एक्स का मिले एक वाई का मिले एक जेड का मिले, वही काम आज भी हम लोग कर रहे हैं, तीन अलग अलग फंक्शन खोजना चाह तीन अलग अलग टर्म खोजना चाह रहे हैं जिसमें एक केवल आर का टर्म हो, एक केवल थीटा का हो और एक केवल फाई का हो, ठीक। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि थ्री फोर फाइव को क्या कर रहे हैं इसमें पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, साथ ही साथ इसको आर थीटा फाई से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए जब इसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो डेल साई ओवर डेल आ रहा है उसके जगह क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे ये वैल्यू, ठीक। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे कहाँ गया वैल्यू, ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या होगा ये पूरा वैल्यू आएगा, लेकिन साथ ही साथ इक्वेशन को आर थीटा फाई से डिवाइड कर रहे हैं तो थीटा फाई कट जाएगा नीचे आर बच जाएगा, और ब्रैकेट में इसके जगह क्या हो जाएगा डी आर ओवर डी कैपिटल आर ओवर डी स्मॉल आर आ जाएगा। क्लियर है चीज़, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आप कहेंगे ये कहाँ गया, तो डिवाइड किए हैं तो दो वैल्यू थीटा फाई डिवाइड करने के वजह से कट गया, बस आर अकेला नीचे बच गया। क्लियर, वैसे इसमें डेल साई ओवर डेल थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तब इसको भी डिवाइड किया जा रहा है आर थीटा फाई से, जब इसको डिवाइड किया जा रहा है तो क्या होगा आर फाई कट जाएगा थीटा नीचे बच जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा डी कैपिटल थीटा ओवर डी स्मॉल थीटा इसके जगह हो जाएगा डी कैपिटल थीटा ओवर डी स्मॉल थीटा। फिर क्या कर रहे हैं, देखिए फालतू में एक लाइन और लिखना पड़ता है इतना बड़ा सा, उसको छोटा कर दिए हैं, इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं एक स्टेप स्किप करके, ओके। अब देखिए फिर क्या कर रहे हैं, इसके जगह ये जो वैल्यू पुट कर रहे हैं इसके जगह, ठीक, लेकिन फिर इसको भी तो आर थीटा फाई से डिवाइड किया गया तो ये दोनों कट जाएगा नीचे फाई बच जाएगा, ऐसे कुछ मिल गया। अब इसमें भी देखिए आर थीटा फाई से आ गया और साइन का वैल्यू क्या किए हैं यहाँ पे पुट किए हैं आर थीटा फाई और इसको डिवाइड किए हैं तो कैपिटल आर थीटा फाई या आर थीटा फाई पुट कर दिए। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार लिख दिया है वो अंडरस्टूड है, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अब क्या करेंगे, इससे देखिए क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों टर्म जो हैं क्या होंगे इंडिविजुअली से कट जाएंगे, तो अब क्या बचेगा इक्वेशन हम लोग का, ये कट गया तो ठीक, तो अब इक्वेशन कुछ हम लोग का क्या होगा ऐसे कुछ मिलेगा। इसमें एक चेंजेस क्या किए हैं, एक स्टेप और स्किप किए हैं, ये वाला जो टर्म है इसको क्या किए हैं अलग से राइट हैंड साइड में, मतलब जीरो के जगह ये वाला टर्म माइनस साइन करके लगा दिए हैं राइट हैंड साइड में, आप ऐसे कहिए कि राइट हैंड साइड में इस वाले टर्म को भेज दिए हैं और ये कैंसिल करके लिख दिए हैं,
ठीक, तो आपको दिख रहा होगा सब कुछ सेम है, बस यहाँ क्या एक एक टर्म देखिए पढ़ नहीं रहा हूँ तो आपको दिख रहा ही है, ताकि वीडियो छोटा बने, एक एक टर्म पढ़ूंगा ना बहुत लंबा जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2μr² sin θ, ये इससे कट गया था, ठीक, इसमें क्या है ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक, और ये वाला टर्म क्या किए हैं बाहर भेज दिए, ठीक। अब देखिए ये जो आर है, थीटा है और फाई है, ये सब क्या है आपस में इंडिपेंडेंट हैं, आर थीटा फाई ये सब आपस में इंडिपेंडेंट हैं, इन दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक। ये मान लीजिए इस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, इस मार्कर का एक्स एक्सिस से दूरी 2 है, वाई एक्सिस से 3 है, जेड एक्सिस से 4 है, ठीक। अगर एक्स एक्सिस से हम दूरी चेंज कर दें तब भी हमारा वाई जेड फिक्स रहता है, उस पर कोई उसका अंतर नहीं पड़ने वाला है। ये चीज़ को, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। जैसे ऐसे समझ लीजिए एक बार, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, जेड है, मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 लिखें, इसका मतलब क्या है एक्स एक्सिस 2, वाई 3 और इसमें 4 चला गया। अगर एक्स एक्सिस को 3 कर दें तब, इसको ना बदलें तो ऐसे आप कर सकते हैं, एक्स एक्सिस को 3 भी कर दें तब भी ये क्या रहेगा 3 और 4 भी रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे वाई चेंज करेंगे तो एक्स और जेड पर फर्क नहीं पड़ेगा, जेड में चेंज करेंगे तो एक्स वाई पर फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे ही आर थीटा फाई भी क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट हैं आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हैं तो एक दूसरे को चेंज करने पे इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक, क्लियर है चीज। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को करेक्ट हम तभी कहेंगे दो, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा गया है फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई लिखा गया है, ठीक, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई लिखा गया है, तो ये तभी लिखा जा सकता है जब ये दोनों वैल्यू क्या हो, किसी कांस्टेंट के बराबर हो। ये मैथ का रूल है कि अगर एक्स और वाई दोनों आपस में इंडिपेंडेंट फंक्शन हैं और दोनों के फंक्शन को हम आपस में बराबर लिख रहे हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का वैल्यू किसी कांस्टेंट के बराबर हो। ये मैथ का रूल है, क्लियर, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट फंक्शन है तो आपस में बराबर नहीं लिखा जा सकता, उनको बराबर लिखने का मात्र एक ही उपाय है कि आगे कांस्टेंट लिखा जाए। ये मैथ वाले सर लोग पढ़ाए होंगे, ठीक। तो इसका मतलब इधर देखिए क्या है, आर थीटा का फंक्शन है, इधर देख रहे हैं आप आर थीटा का फंक्शन है, हर एक टर्म में आर और थीटा है, इधर तीनों टर्म में, और इधर जो टर्म है इसमें फाई फंक्शन है, लेकिन ये आर थीटा फाई तीनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो कैसे इसके बराबर हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब लिखने का अथॉरिटी तभी मिलेगा जब इसके बराबर एक कांस्टेंट लिखें, मतलब ये वैल्यू भी एक कांस्टेंट के बराबर हो और उसी कांस्टेंट के बराबर ये लेफ्ट हैंड साइड भी हो जाए, तभी हम इसको लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होगा, क्लियर है चीज, कि दो इंडिपेंडेंट फंक्शन आपस में बराबर तभी लिखे जाएंगे जब उनका वैल्यू किसी सेम कांस्टेंट के बराबर हो जाए। जैसे मान लेते हैं इसका वैल्यू क्या हो रहा है, कुछ मान लीजिए k मिल रहा है, तो ये किस पे मिल रहा है, मान ले रहे हैं x इक्वल टू a पे, ये x इक्वल टू b पे मिल रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ b, और ये क्या होगा किसके बराबर होगा k के बराबर हो जा रहा है, ठीक। ज़्यादा डिटेल मैथ में नहीं जाऊंगा, इतना हिंट दे दिया, ये आपके लिए सफिशियंट है कि दो इंडिपेंडेंट फंक्शन को आपस में बराबर तभी लिखा जाएगा जब क्या हो, किसी कांस्टेंट के बराबर हो, तो इक्वेशन तभी करेक्ट होगा। दिस इक्वेशन इज करेक्ट इफ बो साइड आर इक्वल टू द सेम कांस्टेंट से ml स्क्वायर, जिसका मतलब क्या होगा, ये इसको ml स्क्वायर को बराबर कर दिए, इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इसका आगे क्या करना है, ml को क्या किए हैं, ऐसे समझिए इसको इधर ले चले गए हैं, और फाई का क्या किया, मल्टीप्लाई किए हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा, ठीक, इतना चीज़ तो अंडरस्टूड है। इसको इधर ले चले गए और पहले फाई का क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक, तो इधर फाई आ जाएगा, और फिर इसको इधर ले चले गए, तो ऐसे इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 6 बन गया। मतलब एक हम लोग का ऐसा इक्वेशन मिल गया है जो केवल फाई का फंक्शन है, ऐसे दो इक्वेशन और खोजने हैं जिसमें एक केवल आर का फंक्शन रहेगा, एक केवल थीटा का फंक्शन रहेगा। ऐसे ही इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू हम लोग सॉल्व किए थे, आप जाकर देखिएगा, 3 अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले थे, एक केवल एक्स का फंक्शन था, एक केवल वाई का फंक्शन था, और एक केवल जेड का फंक्शन था, ठीक। अभी आगे और टप टप मैथमेटिक्स आएगा जिसको हम लोग को डायरेक्ट यूज करना है, ओके। ओके स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग क्या किए थे, यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन, ये आर थीटा का फंक्शन है और इधर फाई का फंक्शन है, तो इधर ये आर थीटा के फंक्शन अगर फाई वाले फंक्शन के बराबर हो रहे हैं, जिसका मतलब वो किसी कांस्टेंट के बराबर रहे होंगे, क्योंकि आर थीटा फाई आपस में ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है, और उस कांस्टेंट को हम लोग ml स्क्वायर माने थे, और ये जो ml है वास्तव में ये क्या आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, क्लियर है चीज़।
तो ये इसको बराबर इसको लिखा जाएगा ना, इसके बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। आप मत लिखिएगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये इक्वेशन और ये मतलब इतना इक्वल टू इतना अगर हम लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख रहे हैं, इधर आर थीटा का फंक्शन है, इधर फाई का फंक्शन है, तो आपस में बराबर तभी ही होंगे ये जब किसी कांस्टेंट के बराबर हो, और वो कांस्टेंट क्या है, एम एल स्क्वायर हम माने हैं। तो इसको एम एल स्क्वायर करके सॉल्व कर लिए, तब लेफ्ट हैंड साइड को भी एम एल स्क्वायर करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, नहीं तो कॉपी में आप गलत करेंगे। देखिए कैपिटल थीटा कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कैपिटल थीटा कहाँ कहाँ यूज करेंगे उसको मैं बता दे रहा हूँ। जब थीटा क्या रहेगा, अकेले रहेगा तब यूज करना है, एलोन रहेगा थीटा तब, और जब थीटा क्या रहेगा इस फार्मूले में अगर कहीं लिखा गया है तो ऊपर वाले डी के साथ कैपिटल थीटा यूज करना है। कैपिटल थीटा समझ में आया, दो जगह बस इसमें यूज होगा पूरे इक्वेशन में, एक अकेले यूज होगा थीटा तो उसको कैपिटल थीटा वो है, और एक अगर डी के साथ हम यूज कर रहे हैं थीटा ऊपर वाले डी के साथ तो वो कैपिटल थीटा है। बाकी अगर कहीं भी साइन के साथ जो थीटा आया हुआ है तो क्या है, स्मॉल थीटा है, या कहीं कास के साथ हो सके आ गया है तो वो भी क्या होगा, स्मॉल थीटा होगा। मतलब कैपिटल थीटा क्या होगा, जो अकेले कहीं रहेगा थीटा उसको कैपिटल, वो कैपिटल थीटा है, या डी बाई डी थीटा के डी थीटा बाई डी थीटा लिखे हैं तो ऊपर वाला थीटा क्या होगा, कैपिटल होगा, और नीचे वाला क्या होगा, स्मॉल होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप गलत कर डालेंगे कापी में, ठीक। हो सकता है मैं कहीं कैपिटल थीटा लिख रहा हूँ, स्मॉल थीटा लग रहा हो, तो ये आपके दिमाग में डाउट ना हो कि कौन कैपिटल है कौन स्मॉल। उसके लिए मैं डाउट क्लियर कर दिया कि थीटा अकेले तो कैपिटल थीटा, थीटा अगर डी ऊपर वाले डी के साथ तो कैपिटल थीटा, बाकी कहीं नीचे वाले डी के साथ या साइन के साथ जो थीटा रहेगा वो स्मॉल थीटा रहेगा। क्लियर है चीज़। अब देखिए इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को मैंने एम एल स्क्वायर के बराबर कर दिया, ठीक। ये नीचे का टर्म कट रहा है, यही टर्म है, कौन सा टर्म है नीचे, 4πε0r, यही थोड़ा सा हल्का सा एकदम ये कट रहा है, तो इसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये किसके बराबर होगा, एम एल स्क्वायर के बराबर होगा, ओके, ये पूरा टर्म। अब फिर हम लोग का काम क्या था, देखिए क्या था, तीन डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, जैसे हम लोग इन्फाइनाइट पोटेंशियल वेल में बना रहे थे, एक किस वहाँ क्या बनाए थे, एक्स का बनाए थे, एक वाई का बनाए थे, एक जेड का बनाए थे, तो वैसे यहाँ पर जो तीनों कोऑर्डिनेट हैं, एक क्या है, आर है, एक थीटा, एक फाई है, तो फाई का डिफरेंशियल इक्वेशन अलग से एक बना चुके हैं, जो क्या है, केवल फाई का फंक्शन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनाया जाएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाएगा जो केवल आर का फंक्शन होगा, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाएगा जो केवल किसका फंक्शन होगा, थीटा का। तो उसके लिए अब अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो देखिए अगर साफ साफ यहाँ देख रहे होंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दें तो ये वाला टर्म केवल आर को धारण कर लेगा, और ये वाला टर्म ये इसके साथ मल्टीप्लाई जो है ये भी केवल आर को धारण कर लेगा, और बाकी टर्म क्या हो जाएंगे, थीटा को जाएंगे, और फिर उसको आपस में इक्वल करके हम आर और थीटा के दो अलग अलग इक्वेशन पा जाएंगे, ठीक। तो वही लिखे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, नीचे यहाँ एक थीटा आ जाएगा, ऊपर से एक नीचे यहाँ क्या होगा, साइन थीटा आएगा, ऊपर वाला साइन थीटा, नीचे जैसे डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक। तो ऊपर वाला एक साइन थीटा, नीचे वाले साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन थीटा कैंसिल कर देगा, नीचे साइन थीटा बच जाएगा, और यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर नीचे साइन स्क्वायर थीटा इसके नीचे भी आ जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ देखिए लिखा गया है, ये चीज़ लिख दिए, क्लियर। इसमें रख के आप इसको सॉल्व कर सकते, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। अब आर वाले टर्म को एक पास कर लिए इकट्ठा, और थीटा वाले को राइट हैंड साइड में भेज दिए, और आर वाले को लेफ्ट हैंड साइड में रख लिए। तो देखिए ऐसा करने से क्या हो गया, आर के फंक्शन और थीटा के अलग अलग फंक्शन हमको मिल गए, ठीक। अब ये आर का फंक्शन है, इधर थीटा का फंक्शन है, आर और थीटा दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, इसका मतलब ये आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब क्या हो, ये किसी कांस्टेंट के बराबर हो। तो लिख दिए हैं कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट इफ बोथ साइड्स आर इक्वल टू द सेम कांस्टेंट, सेम किसी कांस्टेंट के बराबर हो, मतलब जो कांस्टेंट है सेम रहेगा दोनों के लिए, मतलब दोनों एक ही कांस्टेंट के बराबर होंगे, से उसको एल स्क्वायर प्लस एल कर दे रहे हैं, या एल इंटू एल प्लस वन, ठीक। ये एल क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, और ये एम एल जो यूज किए थे ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक। तो ये इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ओके। तो अब क्या करेंगे, ये कांस्टेंट अब हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को भी इस कांस्टेंट बराबर रखेंगे, इस राइट हैंड साइड को भी इस कांस्टेंट बराबर रखेंगे, क्योंकि दोनों जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये मत लिखिएगा, आप समझाने के लिए बता रहे हैं, एल इन टू एल प्लस वन के क्या होगा, बराबर होगा। तो एक बार इसको इसके बराबर करके लिखेंगे, और एक बार राइट हैंड साइड को इसके बराबर करके लिखेंगे, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले लिए हैं तो कुछ ऐसा ये दिखेगा आपको, ठीक। देखिए अब ये क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड को, किससे, स्मॉल आर स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं, और फिर इसको रीअरेंज कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो यहाँ देखिए नीचे 1 बाई आर स्क्वायर हो गया,
फिर यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर कट जाएगा, इस 2μ बाई एच कट स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें भी आर स्क्वायर डिवाइड करेंगे, जिसको डिवाइड करने वाले लेते आए हैं। और फिर यहाँ कैपिटल आर था, तो अगर आप पूरे क्वेश्चन में कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ कैपिटल आर कट जाएगा और यहाँ कैपिटल आर बच जाएगा। ठीक, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जब लंबा लंबा क्वेश्चन है तो क्या करना, हम लोग को कुछ चीज़ें डायरेक्ट यूज करना था, हर एक चीज़ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मिल गया, एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मिला जो क्या हो गया, केवल आर का फंक्शन है। ठीक, यहाँ पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कैपिटल आर, अगर आपको लग रहा है जरूरत है तो आप लिख लीजिएगा। ठीक, मैं डायरेक्ट लिखाऊँ, एक एक लाइन लिखूंगा, नोट्स काफ़ी लंबा जाएगा, वीडियो भी काफ़ी लंबा जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आल्सो मतलब लिखे हैं कि ये जो पार्ट है ये भी पार्ट क्या होगा, इस कांस्टेंट के बराबर होगा, तो इसको ऐसे लिख लिए। ठीक, अब इसको जब लिख के फिर अरेंज किए हैं तो देखिए कुछ ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना है। इसमें क्या किए हैं, जो थीटा नीचे वाला था कैपिटल थीटा, इसको क्या किए हैं, इधर ले गए हैं, इन दोनों टर्म को इधर ले गए हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या होगा, इसके साथ निगेटिव में हो जाएगा, इतना चीज़ क्लियर। और थीटा से क्या किए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ का थीटा थीटा कट जाएगा, यहाँ थीटा आ जाएगा और कुछ ऐसा हम लोग का क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखिए तीन डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन ऑफ 6 में जो मिला केवल फाई का फंक्शन है, 7 में जो मिला केवल आर का फंक्शन है, और 8 में जो मिला केवल थीटा का फंक्शन है। अब इन तीनों को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या किए हैं, इन तीनों इक्वेशन को एक बार लिख लिए 6, 7, 8 को। ठीक, आप दोबारा बन लिखिएगा। ठीक, अब इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है, इसका सोल्यूशन जब निकल जाएगा तो जो हम लोग साइंस कल टू आर थीटा फाई करके माने थे उसमें पुट करेंगे तो हम लोग का कंप्लीट वेव फंक्शन निकल जाएगा। ठीक, तो अब आपकी बारी आ गई है याद करने वाला, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए सोल्यूशन ऑफ फाई इक्वेशन जो इक्वेशन 6 है उसको कुछ ऐसे दिया जाएगा। अब ये आप हमसे मत पूछिएगा कहाँ से आया, ठीक, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं इन सब चीज़ों को बताया जाए डिटेल में। हालांकि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जब इंटीग्रेट वगैरह करेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा इक्वेशन आपको मिलने वाला है। ठीक, ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा। ओके, जहाँ पे ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ये कौन सा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जब इंटीग्रेट वगैरह करेंगे तो क्या होगा, एक वैल्यू मिलेगा, तो कांस्टेंट बताएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट वगैरह, तो कुछ ऐसा एक कांस्टेंट ए मिलेगा। ठीक, इस तरह के इक्वेशन को हम लोग डायरेक्ट पीछे भी लिखे थे। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो फाई है, ये यहाँ पे जो फाई होता है ये क्या होता है, पीरियाडिक फंक्शन होता है, मतलब ये सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक, ऐसे फिर यहाँ क्या, 0 से 2π चला, ये क्या है 2π है, ये क्या है 0 है, ठीक, ये क्या पाई है, फिर इसके बाद क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करता है। इसका मतलब क्या है कि फाई, कैपिटल फाई और फिर इसमें स्मॉल फाई में 2π जोड़ दे रहे हैं तो फ्री आई मिल जा रहा है। मतलब अगर कहीं आप ऐसे पढ़े ना कि fx अगर पीरियाडिक फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, fx प्लस 2π इक्वल टू क्या होगा, fx के बराबर होगा। तो वैसे क्या फाई ये किसका फंक्शन है, स्मॉल फाई का, कैपिटल फाई स्मॉल फाई का फंक्शन है, इसमें 2π जोड़ेंगे तो फिर वही फंक्शन मिल जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पीरियाडिक है। ठीक, तो ये पीरियाडिक नेचर का होता ऐसा देखा गया, इस वजह से लगा रहे हैं। ठीक, अब आप को मैं ये नहीं समझा पाऊंगा कैसे पीरियाडिक। ठीक, ये जो स्टडी किया गया उसमें पाया गया है कि ये पीरियाडिक फंक्शन है। क्लियर, आप वैल्यू पुट कर करके इसको क्या करिएगा, कंप्यूटर पे अगर आपको प्रोग्रामिंग करने वगैरह आता होगा तो उस पर इसके वैल्यू पुट करके सॉल्व करिएगा, देखिएगा ये पीरियाडिक फंक्शन मिलेगा। 2π इसका क्या होगा, ये हर एक 2π के बाद क्या होगा, अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्लियर, तो ये कंप्यूटर में इसको प्लॉट करके आप देखिएगा। ओके, तो देखिए क्योंकि आई लगा हुआ ना, अगर आई नहीं रहता था तो आप आसानी से प्लॉट कर लेते, आई लगा हुआ तो कंप्यूटर में इसको आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। ओके, अगर आई नहीं रहता तो कॉपी में वैल्यू अलग अलग पुट करके आप प्लॉट कर सकते थे। तो ये देखिए, अब इसके जगह क्या किए, इसके जगह जब वैल्यू पुट करेंगे तो अब इस वाले फंक्शन में फाई के जगह फाई प्लस 2π पुट करेंगे और इधर सेम यही फंक्शन रहेगा। अब जब इसको ऐसे देखेंगे तो यहाँ देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो ई के पावर आई एम एल फाई प्लस ई के पावर 2π हो गया। ऐसे जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक टर्म आएगा e के पावर आई, यहाँ लिख देते हैं, जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, a से कट ही गया है, फिर क्या आएगा e के पावर आई एम एल फाई, और दूसरा क्या आएगा e के पावर आई एम एल 2π। जब ऐसे लिखा जाता है तभी ना पावर को जोड़ते हैं, जब इस तरह लिखा रहता है टर्म पावर जोड़ते हैं तो पावर जब जुड़ा है तो इस तरह लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने से क्या होगा, देखिए इधर वाला जो टर्म है इस टर्म से कट जाएगा, केवल ये टर्म बचेगा किसके बराबर, एक के बराबर, और ई के पावर आयोटा थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो उसको इस फॉर्म में लिख दिए, थीटा की जगह ये वैल्यू है। अब देखिए इधर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा, 1 प्लस आई 0 लिख सकते हैं इसको, ये टर्म पूरा 0 के बराबर हो जाएगा कंपेयर करने
पे, और ये क्या होगा 1 के बराबर हो गया, और ये वैल्यू 1 तभी आएगा जब m का वैल्यू क्या हो, या तो 0 हो, का 0 का वैल्यू 0 होगा m का वैल्यू तो ये पूरा 0 हो जाएगा, का 0 का वैल्यू 1 होता, या तो ये क्या हो प्लस माइनस पाई हो, सॉरी या ये क्या हो, या तो पॉजिटिव इंटीजर हो या तो निगेटिव इंटीजर हो, मतलब ये क्या हो प्लस माइनस 2 पाई या प्लस माइनस 4 पाई या प्लस माइनस 6 पाई हो, तब ये वैल्यू 0 होगा, मतलब अगर ml का ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू 1 मिलेगा, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि ml का वैल्यू यही होता है, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, आप पढ़े भी हैं कि ml का वैल्यू क्या होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे होता है, ये चीज़ आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक। तो ये वैल्यू हो गया। अब जो कांस्टेंट a है इसको नॉर्मलाइजेशन फार्मूले से सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला क्या, ये फाई स्टार फाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट करके इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे डी फाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा ये निकल जाएगा वैल्यू, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और वो वन अपॉन अंडर रूट 2 पाई आएगा, ठीक। यहाँ से इस चीज़ को आप सॉल्व करके लिख लेंगे, तो जो इक्वेशन अब सॉल्व कर लिखें कि द कांस्टेंट ए कैन बी फाइंड बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन एंड देन पुटिंग इन इक्वेशन 9, तो इक्वेशन 9 में जब पुट करेंगे तो एक ऐसा इक्वेशन मिला, ठीक। ये फाई एम एल का वैल्यू हम लोग को मिल गया, ठीक। क्यों यहाँ पे, ये देखिए एम एल पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको लिखे हैं नीचे फाई एम एल सफिक्स लगा के लिखे हुए, ठीक। एम है सफिक्स में, एल है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, क्लियर। ये चीज़ क्लियर, इस एम एल के इस वैल्यू पे इसका वैल्यू क्या होगा 1 मिलेगा, ये चीज़ तो आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप क्लियर होगा। कास्ट 2 पाई का वैल्यू 1, कास्ट माइनस 2 पाई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से इसे साफ साफ क्लियर है कि जब एम एल इक्वल टू प्लस 1 रखेंगे तब भी कास्ट 2 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा, और कास्ट माइनस थीटा इक्वल टू कास्ट थीटा होता है तो कास्ट माइनस 2 पाई रखेंगे तो उसको भी कास्ट 2 पाई कह सकते हैं, फिर उसका वैल्यू 1 होगा। जब ये वैल्यू पुट करेंगे एक बार तो क्या होगा, प्लस 1 पर करेंगे तो कास्ट 2 पाई इक्वल टू 1, और फिर माइनस 1 करेंगे तो कास्ट माइनस 2 पाई इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि कास्ट माइनस 2 पाई कास्ट 2 पाई बराबर होता है कास्ट माइनस थीटा कास्ट थीटा बराबर, वैसे डिफरेंट वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो क्या क्या याद करना है बच्चों, क्या क्या याद करना है, ये याद करना है और ये याद करना है, दो इक्वेशन। अब आगे और भी खतरनाक खतरनाक इक्वेशन याद करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, अगर आप पढ़े रहते तो काफ़ी आसान लगता, लेकिन पढ़ा ही नहीं गया, ठीक। हम लोग पढ़े हुए हैं तो हम लोग को ये सब चीज़ें आसान लगती हैं। अब देखिए सोल्यूशन ऑफ थीटा इक्वेशन, अब थीटा इक्वेशन का सोल्यूशन जब निकालेंगे इसको अपने मन से मान लिए, अब आप सनक जाएंगे कि ये सब क्या आ रहा है, जाहिर सी बात है आप सनकेंगे ही क्योंकि पढ़े नहीं हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, थीटा के टर्म में इक्वेशन सॉल्व होगा कैपिटल थीटा, तो थीटा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एल और एम एल पर डिपेंड करेगा, इसलिए यहाँ पे एल कामा एम एल लिखे हैं, क्लियर है चीज़, किस पे डिपेंड कर रहा है, एल और एम एल पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए एल कामा इसको लिखा गया, ठीक। एक मिनट में देख लूँ इक्वेशन सही है, ठीक। यहाँ देखिए इसको ऐसे हटा देते हैं, एल एम एल चाहे चलिए ऐसे लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बुक में एक साथ लिया ऐसे लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या होगा, एल एम एल हो गया, ठीक, एल कामा एम एल, और यहाँ पे ये चीज़ें, ठीक, बुक में एल एम एल लिखा तो उसे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब क्या है आपके क्वांटम नंबर हैं, ठीक। तो थीटा एम एल जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट ए मिला, कुछ ऐसा मिलेगा पॉलिनोमियल, और कास्ट थीटा जहाँ बता दिए हैं कि एल एम एल क्या है एक कांस्टेंट है, ये क्या है आपका एसोसिएटेड लैग्रैन्डे पॉलिनोमियल है। देखिए ये चीज़ नहीं पढ़े, बताएं ना कि एमएससी की चीज़ों को यूज़ करना है, ये चीज़ नहीं पढ़े, अगर आप पढ़े रहते तो आपको समझ में आता कि कहाँ से आया, और फिर कास्ट थीटा, ठीक। अब यहाँ पे एक एक्सेप्टेबल कंडीशन क्या है, ये सोल्यूशन तभी एक्सेप्टेबल होगा जब ये पूरा वैल्यू क्या हो इससे बड़ा होगा, तभी ये कंडीशन एक्सेप्टेबल होगा। और कैसे ये एक्सेप्टेबल कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ये वाला जो टर्म होना चाहिए इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक, और ये टर्म बड़ा तभी होगा जब यल क्या हो इसके वैल्यू से क्या हो बड़ा हो, ठीक, क्लियर है चीज। तो इसको क्या लिखे हैं कि यल जो हो मॉड एम एल के वैल्यू से क्या हो हमेशा ग्रेटर या इक्वल हो, ठीक। इसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है, ठीक। तो यल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम एल करके इसको मैं लिख दिया, ओके, ये केवल ये समझिए आप कि ये टर्म जो होना चाहिए इससे बड़ा होना चाहिए, क्लियर है चीज़, वेयर एल इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक। जब डिटेल में आप पढ़े ही नहीं हैं तो आधा दूरा डिस्कस करने कोई फ़ायदा नहीं है, क्लियर। अभी मैं इसको डिस्कस करूँ फिर कोई आपको और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो उसके वजह से एक ही चीज़ है उसको आप रट लीजिए, ठीक। वेयर यल इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जहाँ पे यल क्या है आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ठीक।
अब देखिए क्या लिखे हैं कि द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट एन एल एम एल कैन बी फाइंड बाई यूजिंग, ये एल क्या है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एम एल क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा के इसमें फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, तो उसको फिर यूज कर लेंगे इस इक्वेशन में एन एम एल का वैल्यू, देन पुटिंग इन इक्वेशन 11 कॉमा बी गेट, ये इक्वेशन नंबर 12 मिल गया। ठीक, दो इक्वेशन हम लोग मिल गए हैं, अब इक्वेशन 7 को सॉल्व करना है, उसके सोल्यूशन को लिखना है और फिर तीनों के साथ कंबाइन कर देंगे, हम लोग को वेव फंक्शन मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 12 तक हम लोग कर लिए थे, अब इक्वेशन 7 के लिए क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा इक्वेशन सोल्यूशन हमको मिलेगा। ठीक, यहाँ पर फिर एक कांस्टेंट है और कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये क्या है आपका लागुरे पॉलीनोमियल है जो इस पर ऑपरेट हो रहा है, जैसे ये आपका जो पॉलीनोमियल था क्या कर रहा था इस पर ऑपरेट हो रहा था कॉस थीटा पे, कौन सा लैग्रैन्जियन पॉलीनोमियल इस पर ऑपरेट हो रहा था, इसको इधर उधर मत करिएगा, इसको यहीं रहने दीजिएगा, ये कॉस थीटा भी यहीं रहने दीजिएगा। ठीक, और वैसे ये जो टर्म है ये क्या हो रहा है इस पर ऑपरेट हो रहा है, इसको भी यहीं पर रहने दीजिएगा। ओके, इधर उधर करके स्क्वायर मत करने लगिएगा। ठीक, अब देखिए इस कांस्टेंट है और ये क्या आपका लागुरे पॉलीनोमियल है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए जहाँ पे ए नॉट क्या है बोहर्स का फर्स्ट रेडियस है। ठीक, ये ए नॉट क्या है बोहर्स मॉडल पर है ना, तो उसमें हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट रेडियस निकाला गया था वो है। ओके ओके, ये क्या है फर्स्ट रेडियस है। ठीक, जो बोहर से टाइम मॉडल हम लोग पढ़े थे वो वही वैल्यू है। ठीक, वहाँ पे हम लोग यम पढ़े होंगे, यहाँ पे उसको म्यू मान लिए हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वैल्यू क्या कर सकते हैं हम लोग, एन एल एल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की हेल्प से, और फिर उसको जब पुट करेंगे तो कुछ ऐसा इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा। इसको इधर उधर नहीं करना है, इसको स्क्वायर मत करने लगिएगा, स्क्वायर नहीं करना है इसको, क्योंकि ये जो पॉलीनोमियल है वो इस पर ऑपरेट हो रहा है। ठीक, अभी आपको अजीब लग रहा होगा, ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ये चीज़ें, ये हो गया, ये हो गया, ये सब याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी पढ़े नहीं है। ठीक, कैसे ऑपरेट होगा जब पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग को ये पूरा का पूरा मिल गया, कौन कौन सा आर के टर्म में कैपिटल आर जो वहाँ माने थे, फाइव भी मिल गया, और क्या मिल गया यहाँ पे हम लोग को थीटा भी, यहाँ फाइव मिल गया, आर मिल गया, और यहाँ पे नीचे थीटा मिल गया। ठीक, अब इन तीनों को ले आकर जब हम पुट कर देंगे उसमें तो हम लोग को क्या होगा कंप्लीट वेव फंक्शन मिल जाएगा। ठीक, क्लियर इतना चीज, अब बस पुट कर देंगे, काम हम लोग का यहाँ से फिनिश हो जाएगा, और इस तरीके से हाइड्रोजन एटम वाला हम लोग का टॉपिक क्या होगा फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ओके स्टूडेंट, अब हम लिखेंगे कंप्लीट वेव फंक्शन। ठीक, तो लिखें द कंप्लीट वेव फंक्शन ORR नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, उसको कुछ ऐसे लिख दिए। ठीक, ऐसे पीछे हम लोग लिखे थे, बस इसी को नया लुक देने के लिए, देखने में थोड़ा अच्छा लगे, एग्जाम में थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाए, इस पे क्या लिखे हैं क्वांटम नंबर नीचे लिख दिए हैं, और ये आर थीटा फाइव जिस क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा था उसको ऑलरेडी नीचे लिखे ही थे, तो उसी क्वांटम नंबर को क्या किए हैं लिख दिए हैं। क्लियर, अगर आपको आगे मन करेगा तो इन तीनों में से वैल्यू उठा के ला के पुट करके छोड़ दीजिएगा, वो आपको कंप्लीट वेव फंक्शन मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन एटम को कंप्लीट कर लिए। ठीक, देखिए अगर आप इस रेडियल वालों को आगे सॉल्व करेंगे ना तो एनर्जी का वैल्यू एग्जैक्ट वैसे ही मिलेगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, वैसा ही एनर्जी का वैल्यू मिलेगा जैसा कि बोहर से टाइम मॉडल को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्व किए थे तो मिला था। ठीक, तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर को फिनिश करने के साथ साथ हम लोग क्या पाए कि क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग का पूरा फिनिश हो चुका, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स पूरा हम लोग का फिनिश हो गया है। अब हम लोग जो भी अगला लेक्चर पढ़ेंगे वो किस पे पढ़ेंगे, एमसीक्यू बेस पे पढ़ेंगे। ठीक, क्वांटम मैकेनिक्स का जो भी अगला लेक्चर पढ़ेंगे वो एमसीक्यू पे पढ़ेंगे, मतलब एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे आगे से। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।